खालसा जी चैनल नू सब्सक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे अते वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, तिलंग महला चौथा, हर किया कथा कहानिया गुरमीत सुनाइया, बलिहारी गुर आपने गुर को बल जाइया, हार किया कथा कहानिया गुर मीत सुनाइया, बलिहारी गुर आपने गुर को बल जाइया, आए मिल गुर सिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे रहाओ, हर के गुण हर पाव दे से गुरु ते पाए, जिन गुर का पाणा मन्या तिन घुम घुम जाए, जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन को हों वारी, जिन गुर की कीती चाकरी तिन सद बलिहारी, हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा, गुर सेवा ते पाईऐ गुरमुख निस्तारा, जो हर नाम त्याए दे ते जन परवाना, तिन विटो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना, जो हर नाम ते आए दे ते जन परवाना, तिन विटो नानक वारिया सदा सदा कुर्बाना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल, लोक परलोक दे राखे, चवर शतर तखत दे मालक, दो जहान दे वाली, निमाणियां दे माण, निताणियां दे ताण, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी च, सिख पंथ दे महान ते पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे जुड़ बैठे गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, एक बारी फिर सरबंस दानी अमृत के दाते धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज वल्लों बख्शिश कीती हुई फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाह दी पावन पवित्र हजूरी च पातशाह जी दे बोल सुनन वास्ते जिन्ने को अज आपां बैठे हाँ,
चाहे असी पातशाह जी दे सनमुख इस महान पावन पवित्र अस्थान गुरद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे बैठे हाँ या टीवी माध्यम दे राही अपने घरां दे विच सुनन वास्ते बैठे हाँ, असी सारी धनता दे योग हाँ, वड्याई दे पात्र हाँ, वड्डे भागां वाले हाँ, क्योंकि वड्डे भागां वालियां नूं ही गुरु दे बोल सुनन दा सुभाग समां जिहड़ा है वह नसीब हुंदा है। वह भी भागां वाले हुंदे ने गुरु प्यारियो जिहड़े चल के अपने घरां तों गुरु के दर्शन दीदार करन आउंदे ने, गुरु नूं मत्था टेकदे ने, गुरु अग्गे अरदास करदे ने। उन्हां तों वड्डे भागां वाले वह हुंदे ने जिहड़े गुरु प्यारियो गुरु दे कोल चल के आउंदे ने, मत्था टेकदे ने, अरदास बेनती करके ते गुरु दे बोल सुणदे ने, कीर्तन दे राही कथा दे राही। ते उदू वड्डे भागां वाले वह हुंदे आ गुरु प्यारियो जिहड़े गुरु दे बोल सुण के ते गुरु दे बोलां नूं फिर अपने दिल च वसा लैंदे आ ते फिर अमली जीवन दे राही जिहड़ा सतगुरां दे बोलां नूं जिउंदे आ। असी गुरु प्यारियो गुरु दे बोल सुनने हैं, गुरु दे बोलां नूं सुन के असी अपने हिरदियां च वसाउणा है ते फिर गुरु दे बोलां नूं अपनी जिंदगी दे विच जिहड़ा है वह कमाउणा है। इहो ही सतगुरां दा मनोरथ है सिख नूं समझाउण दा, सिख नूं सिखाउण दा। अज अमृत वेले जो सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी श्री दरबार साहब तो हुक्म साडी झोली पिया, इसे पातशाह दे हुक्म दी अज आपां ने अकाल पुरख वल्लों बख्शिश कीती हुई बुद्धि अनुसार अते निश्चित कीते हुए समय मुताबक विचार सांझी करनी है। दीन दुनिया दे वाली धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज का यह पावन शब्द है तिलंग राग दे विच। इसकी खासियत है गुरु प्यारियो कि यह लम्मा शब्द है सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज का उचारण। इस शब्द दे विच एक रहाउ की पंक्ति है, उस एक रहाउ की पंक्ति दे विच की कहिंदे ने सतगुरु जी, थोड़ा गुरु प्यारियो उस ते अपना ध्यान केंद्रित करिए। धन गुरु रामदास महाराज कहिंदे ने आए मिल गुरसिख आए मिल, ऐ गुरु दे सिख ऐ गुरु दे सिखो आ के मिलो। यानी गुरु प्यारियो धन गुरु रामदास महाराज सिख नूं आवाज़ मारदे ने। किहड़े सिख नूं आवाज़ मारदे ने गुरु प्यारियो? किसे खास इलाके च रहण वाले नूं नहीं, किसे खास बोली बोलण वाले नूं नहीं, बल्कि तमाम उस व्यक्ति नूं गुरु प्यारियो जिहड़ा गुरु ते भरोसा रखदा है, गुरु ते विश्वास रखदा है। जिहड़ा गुरु ते भरोसा रखदा है, गुरु ते विश्वास रखदा है, वह गुरु प्यारियो सिख है। तो उस सिख नूं सतगुरु जी आवाज़ मारदे है की कहिंदे है सतगुरु जी? कहिंदे ऐ गुरसिखो तुसी भाई सानू आ के मिलो, सानू मिलो आ के। देखो गुरु प्यारियो किड्डे प्यार दे नाल धन गुरु रामदास महाराज सानू बुलाउंदे है, सानू बुलाउंदे है गुरु प्यारियो। जिन्ने प्यार दे नाल बाणी च गुरु प्यारियो सतगुरु सिख नूं आवाज़ मारदे आ ना, उन्ने प्यार दे नाल ना तां पहलो किसी ने आवाज़ मारी अपने चेलियां नूं, ना अज कोई मारदा गुरु प्यारियो ते ना ही किसी ने मारनी है। फिर भी लोगों की बदकिस्मती है कि इहो जे धन गुरु रामदास महाराज का दर छड के असी होर होर जगह भटकते फिरते हैं। कोई किते तुरिया फिरदा है, कोई किते तुरिया फिरदा है, कोई किते तुरिया फिरदा। पुछिए भाई वो तू तो भाई सिख दिसदा है, सोहना तेरे दाड़ा प्रकाश है, दस्तार सजाई है, तू तो सिख दिसदा है, तू कदों धन गुरु नानक देव जी महाराज का दर छड के तुरिया फिरदा? मैनू जी फलानी चीज़ नहीं मिली, मैनू जी फलानी चीज़ नहीं मिली, मैनू जी फलानी चीज़ नहीं मिली। एक गल चेते रखियो गुरु प्यारियो, जिसनू धन गुरु रामदास महाराज के दर चो कुछ नहीं मिलया, जिसनू धन गुरु नानक साहब के घर चो कुछ नहीं मिलया,
वह सारे संसार च पाउंदा फिरे उन्हूं किते कुछ नहीं मिलना। जो मिलना धन गुरु रामदास महाराज के घरों मिलना, धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह के दरों मिलना है गुरु प्यारियो। इस करके असी धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह की शरण के विच पैना है, धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी का असी आसरा लैना। तो जिस धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह नूं असी अपना सतगुरु प्रवान करते हाँ, उस धन गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह दे विच धन गुरु रामदास महाराज सानू आवाज़ मार के कहिंदे ने, आए मैल गुरसिख आए मैल, तू मेरे गुरु के प्यारे, तुसी मेरे गुरु दे प्यारे हो, गुरु दे प्यारे, तुसी मेरे गुरु दे प्यारे हो। धन गुरु रामदास महाराज के सतगुरु कौन है, गुरु कौन है गुरु प्यारे हो? धन गुरु अमरदास जी महाराज, जिहड़े धन गुरु अमरदास जी महाराज नाल जुड़े, जिहड़े धन गुरु अंगद देव जी महाराज नाल जुड़े, जिहड़े धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नाल जुड़े, उन्हां नूं धन गुरु रामदास महाराज कहिंदे ऐ मेरे गुरसिखो आओ आ के सानू मिलो। हुण एक सवाल पैदा हुंदा गुरु प्यारियो कि सतगुरु जी इस शब्द दे विच रहाओ दी पंक्ति दे राही सिख नूं बुला रहे ने अपने कोल, कादे वास्ते बुला रहे ने? कोई काम ही होगा ना गुरु प्यारियो, तां ही कोई बुलाउंदा है ना। भला गुरु नूं साडे तक की काम हो सकदा है? सानू तां काम हुंदा है गुरु तक। गुरु प्यारियो असी गुरु कोल आउणे आ चल के, कोई दुध मंगदा है, कोई पुत मंगदा है, कोई कारोबार च वाधे मंगदा है, कोई तंदुरुस्ती मंगदा है, कोई तरक्की मंगदा है, कोई देह आरोग्यता मंगदा है। पर इत्थे धन गुरु रामदास महाराज सिख नूं बुला रहे ने, कादे वास्ते बुला रहे ने, की करवाउणा है गुरु प्यारी उह सिख तों पातशाह ने? उह समुच्चे शब्द दे विच धन गुरु रामदास महाराज दसदे ने गुरु प्यारियो कादे वास्ते बुला रहे हैं। भाई सुनिए पातशाह तों, महाराज सिख नूं क्यों बुलाउंदे ने, कादे वास्ते बुला रहे ने सिख नूं? उह सारे शब्द विच पातशाह धन गुरु रामदास महाराज ने बयान कीता है, असी सुनना है गुरु प्यारियो। जिन्ने क वड्डे भागां सदका आपां गुरु की गोद विच जुड़े बैठे हाँ ना, अपनियां मनोबिरतियां नूं एकागर करदे हां, एक बार गुरु के शब्द च ध्यान जोड़दे हां। सारी संगत गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, तिलंग महला चौथा, हर किया कथा कहानिया गुर मीत सुनाइया, बलिहारी गुरे अपने गुर को बल जाइया। हुण गुरु प्यारियो रहाओ दी पंक्ति दे विच सतगुरु जी कहिंदे गुरसिखो मेरे गुरु दे प्यारियो लाडलियो भाई साडे कोले आओ, असी आ गए हैं महाराज, असी आ गए हैं हुक्म छड्डो। तां सतगुरु धन गुरु रामदास महाराज गुरु प्यारियो पहली पंक्ति च सानू समझाउंदे है, पहला सरलेख है, तलंग राग का नाँ है, महला चौथा धन गुरु रामदास महाराज का शब्द है। तो हुण की कहिंदे ने सतगुरु जी कोल बुला के सानू, सानू कोल बुला के कहिंदे ने, कहिंदे पुरखो हर किया कथा कहानियां, जिहड़ियां वाहिगुरु दियां कथा कहानियां ने, परमात्मा दियां कथा कहानियां, वाहिगुरु दियां कथा कहानियां भाई तुहानू ओह सुनाउणियां, परमात्मा दे घर दियां गल्लां सुनाउणियां तुहानू, तां सद्या महाराज परमात्मा दे घर दियां गल्लां। ते सतगुरु जी कहिंदे ने भाई चिंता ना करो, गुरमीत सुनाइया, सानू कहिंदे जिहड़ा गुरु मित्र है ना उहने सुनाइया ने, हुण तुहानू असी सुनाउणियां ने। जो धन गुरु अमरदास जी महाराज ने सानू गूढ़ ज्ञान बख्शिया है, वह गूढ़ ज्ञान असी हुण तुहानू देना है। ये धन गुरु रामदास महाराज कह रहे ने, तां सद्या तुहानू अपने कोल।
जिहड़ा परमात्मा दा ज्ञान, जिहड़ा वाहिगुरु दा ज्ञान धन गुरु अमरदास जी महाराज ने सानू बख्शिश कीता है भाई, वो धन गुरु अमरदास जी महाराज का बख्शिया ज्ञान वो तुहानू सुनाउणा है। ये धन गुरु रामदास महाराज कह रहे ने गुरु प्यारे, ते हुण गुरु प्यारियो धन गुरु रामदास महाराज बाणी दे राही सानू कहिंदे है कि गुरु मित्र ने, गुरु मित्र भी हुंदा है गुरु प्यारियो। संसार दे विच बहुत सारे धर्म है गुरु प्यारियो, सिख मत नूं छड के, सिख धर्म नूं छड के किसे भी धर्म दे विच जिहड़ा उस धर्म दे विच इष्ट है उहनूं प्यो तां कहिआ है, पर मित्र किसे ने नहीं कहा गुरु प्यारियो। ये केवल वड़ियाई जिहड़ी है ना ये सिख धर्म दे विच ही है। गुरबाणी दे विच परमेश्वर नूं ते गुरु नूं मित्र भी दस्सिआ, हुण मित्र भी कहा भी भाई अकाल पुरख गुरु तुहाडा पिता भी है, गुरदेव माता गुरदेव पिता तुहाडा पिता भी है, तुहाडी माता भी है ते तुहाडा मित्र भी है। क्योंकि कुछ गल्लां ऐसियां हुंदियां गुरु प्यारियो जिहड़ा मनुख अपने पिता नाल सांझियां कर सकदा है, कुछ गल्लां ऐसियां हुंदियां जिहड़ियां मां नाल सांझियां कीतियां जा सकदियां, पर कुछ गल्लां ऐसियां हुंदियां जिहड़ियां दोस्तां मित्रां नाल सांझियां कीतियां जा सकदियां। ते सतगुरु जी कहिंदे ने, कहिंदे भाई गुरु तुहाडा पिता भी है, तुहाडी मां भी है ते तुहाडा दोस्त भी है, तुहाडा मित्र भी है। इस करके कोई गल लुकाउण दी लोड़ नहीं है, गुरु नाल तुसीं हर गल शेयर कर सकदे हो, हर गल सांझी कर सकदे हो, हर गल सांझी कर सकदे हो, तुहाडा मित्र भी है, ओ तुहाडा मित्र भी है। ये वड़ियाई जिहड़ी है ना गुरु प्यारियो केवल ते केवल, केवल ते केवल गुरु नानक साहब दे घर दे विच है, तुहानू संसार दे किसे धर्म च नहीं मिलनी। गुरु मित्र भी है, वाहिगुरु मित्र भी है। इस करके कोई गल लुकाउण दी लोड़ नहीं है, अपने दिल दा पर्दा दुनिया अगे भावें ना खोलो पर गुरु अगे गुरु प्यारियो खोल दो, बेझिझक हो के निसंग हो के, घबराउण दी लोड़ नहीं है। दुनिया च किसे अगे पर्दा खोलांगे ना वो सौवां नूं जाके दसूगा, पर गुरु किसे नूं नहीं दसदा गुरु प्यारियो, वाहिगुरु किसे नूं नहीं दसदा। दुनिया अगे अपना पर्दा खोलांगे, दुख दसांगे, वो तुहाडे दुख नूं दूर करूगा नहीं करूगा कोई गरंटी नहीं, पर जे गुरु अगे अपना दुख सांझा करांगे ना, गुरु अगे अपने पर्दे खोलांगे, एक गुरु किसे नूं नहीं दसदा, दूजा गुरु दूर करन दे विच भी मदद करूगा। इस करके गुरु तो वड्डा संसार च कोई मित्र नहीं गुरु प्यारियो, गुरु तो वड्डा संसार दे विच कोई रिश्ता नहीं है, गुरु तो वड्डा संसार दे विच गुरु प्यारियो कोई हमदर्द नहीं है। धन गुरु रामदास महाराज इत्थे सानू समझाउंदे है, गुरमीत सुनाइया, जो गुरु मित्र ने सुनाया ज्ञान वो भाई परमात्मा की सिफत सलाह कथा कहानी का ज्ञान असी तुहानू सुनाउणा है। बलिहारी गुर आपणे गुर को बल जाइया। एक गल होर गुरु रामदास महाराज कहंदे ने, कहंदे बलहारी गुर आपणे, असी अपने गुरु तो बलहार जाने हैं, जाना भी चाहिए, जिहड़ा एडा वड्डा हमदर्द है, जिहड़ा दुख सुणदा है और दूर भी करदा है, भाई उस गुरु तो बलहार तो जाना ही चाहिए ना। आसा दी वार दे विच भी असी पढ़ते हैं, पातशाह कहंदे बलहारी गुरे आपणे द्यो हाड़ी सदवार, कदों बलहार जाना चाहिए, सदके जाना चाहिए, हमेशा ही वारे वारे जाना चाहिए, हमेशा ही सदके जाना चाहिए, दिहाड़ी च बार बार जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। महाराज कहंदे जैन मानस ते देवते कीए, जिस गुरु ने मनुख तो देवते बनाता है, ते गुरु नूं मनुख तो देवते बनाउंदिआं समा नहीं लगता, करत न लागी बार। जिहड़ा गुरु मनुख तो देवता बना दिंदा है उस गुरु तो कुरबान जाना चाहिए, वारे वारे जाना चाहिए। जे पिता गुरु प्यारियो सानू चंगी जायदाद दे दिंदा ना, असीं पिता तो बलहारे जाने, पिता ने सुख दिता। जे धियां पुत गुरु प्यारियो माँ बाप की आग्या च चलते हैं, तो माँ बाप धियां पुत्तां तो बलहार जाते हैं, सदके जाते हैं, तो गुरु साडा हमदर्द है, गुरु साडा दुख दूर करदा है, गुरु साडा सच्चा मित्र है,
जिमें धन गुरु नानक साहब महाराज ने कहा, सज्जन सही नाल मैं चल दिया नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़ा दसन। असली मित्रता वो है भाई जिहड़ा नाल जावे, नाल निभे, तोड़ तक नाल निभे। आ दुनिया के जिहड़े मित्र है ये कदों तक नाल निभदे है? उदों तक नाल निभदे है गुरु प्यारी जिन्ना चिर बंदे का भोग नहीं पै जाता, अंतम अरदास नहीं हो जाती, संस्कार ते शामिल हो जाते ने, फिर गुरु प्यारी भोग ते चले जाते ने, उस तो बाद कोई नहीं पुछदा। पुराने बजुर्ग होंदे सी ना जदों किसी के संस्कार ते जाते, एक रवायत होंदी सी उत्थों डक्का चुक के ना तीला चुक के सिव्यां दे विच्चों शमशान घाट दे विच्चों तोड़ के सुट दिंदे सी। उहदा मतलब हुंदा सी लै भाई पुरखा तेरा ते साडा संबंध टुट गया, हुण कितें साडे मगर ना लग जी, मतलब खत्म रिश्ता। गुरु प्यारियो ये रिश्ता उन्ना चिर ही है जिन्ना चिर शरीर चलता है। इस करके सच्चा मित्र जिहड़ा है वह या तो अकाल पुरख है या अकाल पुरख का स्वरूप गुरु है। धन गुरु रामदास महाराज कहिंदे इस करके बलहारी गुर आपणे, असी गुरु तो बलहार जाने हाँ, गुर कौ बल जाइया, गुरु तो बल जाने हैं, गुरु तो सदके जाने हैं, गुरु तो वारे जाने हैं। आए मिल गुरसिख आए मिल, तू मेरे गुरु के प्यारे। आए मिल गुरसिख आए मिल, उही रहाओ दी पंक्ति है। महाराज कहंदे आए मिल आके मिल भाई, गुरसिखो आए मिल आके मिलो, तू मेरे गुरु के प्यारे, तुसी मेरे गुरु दे प्यारे हो, मेरे गुरु दे लाडले हो, आओ आओ आके मिलो। जिमें कोई एक भरा गुरु प्यारे दूजे भरा नू आवाज मारदा ना कि आ जा मेरे प्यो दिया जाया, मैनू मिल आके, तू मेरा मेरे पिता दा जाया, मेरा भरा है, तू आके मिल मैनू। उवें धन गुरु रामदास महाराज कहिंदे मेरे गुरु दे प्यारियो आओ सानू आके मिलो, ये रहाओ दी पंक्ति च समझाउंदे ने। रहाओ हर के गुण हर भाव दे, से गुरु ते पाए। धन गुरु रामदास महाराज कहिंदे सिखो एक गल चेते रखियो, बाणी च बार बार आउंदा ना गुरु प्यारियो वाहिगुरु की सिफत करो, वाहिगुरु दे गुण गाओ, क्यों? धन गुरु रामदास महाराज कहिंदे इस करके वाहिगुरु दे गुण गाउणे हैं क्योंकि वाहिगुरु नूं चंगे लगदे, चंगे लगदे है गुरु प्यारियो। हुण इत्थे एक सवाल पैदा हुंदा है भी वाहिगुरु नूं अपनी सिफत सुननी चंगी लगदी है? संसार च तां असीं माड़ा कहिंदे आ उहनूं जिहड़ा आपदी सिफत सुणे, आपदी वड़ियाई सुणे, ते परमात्मा आपदे गुण चंगे लगदे आ उहनूं, कोई उहदे गुण गावे? बिल्कुल गुरु प्यारियो। हुण जे एक पिता है ना, पिता उहदे बच्चे किते संसार च उहदी इज्जत करदे आ, माण करदे आ, इहदा मतलब इह नहीं कि प्यो जिहड़ा माण दा भुखा है, वड़ियाई दा भुखा है, पर जदों किते उहदे पुत माण करदे आ, वड़ियाई करदे आ, प्यो नूं चंगा लगदा। प्यो भुखा नहीं हुंदा गुरु प्यारियो, पर प्यो नूं चंगा लगदा कि उहदे पुत उहदियां धीआं संसार दे विच उहदा माण वधा रहीआं ने। ते दूजी गल, असीं परमात्मा दे गुण जिहड़े गाउणे आ ना वाहिगुरु नूं चंगे लगदे आ, इस करके चंगे लगदे आ क्योंकि जिहड़े गुण असीं वाहिगुरु दे गाउणे आ ना उह गुण साडे नाल अंदर वस जांदे आ, साडी उहनां गुणां नाल सांझ पै जांदी आ। फर्ज करो असीं कहिंदे आ दयावान है अकाल पुरख, साडा पिता दयावान है, साडा पिता दयावान है, ते फिर सानू भी गुरु प्यारी उह चाहीदा कि असीं भी दया थोड़ी जी वसाईए, लोकां ते तरस करिया करिए। जे सानू गुरु प्यारियों असी गुण गाने हैं साडा पिता जिहड़ा है वह महान है, बख्शिंद है, साडा पिता जिहड़ा है वह दुख सुख तो उपर है, तो फिर सानू भी दुख सुख तो उपर उठना चाहिए। धन गुरु रामदास महाराज कहिंदे ने हर के गुण हर भाम दे, वाहिगुरु दे गुण वाहिगुरु नूं चंगे लगते हैं, तो जिहड़े गुण वाहिगुरु नूं चंगे लगते हैं ना कहिंदे से गुरु ते पाए, वह गुण गुरु तो मिलते हैं गुरु प्यारियों। जे असीं चाहुंदे आ ना कि वाहिगुरु दे गुण गाइए, गुण गाउंदिआं गाउंदिआं उहनां गुणां दे धारनी बण जाइए, जिवें बाणी च वचन है गुण कहे गुणी समावणिआ, गुणां नूं गाउंदिआं गाउंदिआं गुणां च समा जाणा, गुणां नूं गाउंदिआं गाउंदिआं गुणी च समा जाणा। धन गुरु रामदास महाराज कहिंदे वाहिगुरु दे गुण गाउण दी जिहड़ी जांच है ना इह गुरु तों प्राप्त हुंदी है। जिन गुर का भाणा मन्निआ तिन घुम घुम जाए,
जिन गुर का भाणा मनिया धन गुरु रामदास महाराज कहिंदे ऐ भाई सिखो जिन्हां ने गुरु दे भाणे नूं मनिया गुरु की रजा नूं मनिया कहिंदे तैन घुम घुम जाए कहिंदे उन्हां तों घुम घुम जाण नूं जी करदा घुम घुम जाण दा मतलब हुंदा वारे जाना असीं धन गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकदे हां ना जदों गुरु प्यारियो उदों फिर असीं परकरमा करदे हां असीं गुरु नूं सज्जे हथ रख के ना ते फिर परकरमा करते हैं गुरु तो घूमते हैं असी परकरमा करते हैं गुरु तो घूमते हैं घूमन का मतलब की होंगे गुरु प्यारे घूमन का मतलब होंगे परकरमा करन का मतलब होंगे कि हे सतगुरु जी ये साडा शरीर जिहड़ा है ये कीमती है ते अज असी तैनू मत्था टेक के अपना ये कीमती शरीर ते शरीर दे विच कीमती मन शरीर दे विच कीमती आत्मा ये सारे तेरे तो कुरबान करते हैं तेरे तो वारे जाते हैं जदों साडे धीआं पुत दे विआह हुंदे आ ना गुरु प्यारिओ ते असीं की करदे आ रुपईआ जिहड़ा हुंदा ना रुपईए उह अपने धीआं पुत्तरां तों वार के ते किसे लोड़वंद नूं दे दिंदे आ उहदा मतलब की हुंदा मतलब इह हुंदा कि पैसा बहुत कीमती है साडे वास्ते पैसा रुपईआ साडे वास्ते बहुत कीमती है पर इस कीमती पैसे नूं कीमते रुपईए नूं असीं अपनी धी तों असीं अपने पुत तों वारदे आ मतलब कि पैसा बेशक बहुत कीमती है साडे वास्ते पर पुत तो ज़्यादा कीमती नहीं है धी तो ज़्यादा कीमती नहीं है इस करके रुपईए नूं असी अपने पुत दे सिर तों या धी दे सिर तों वार के असी किसे नूं दे दिंदे हां इवें गुरु दे अगे वारने करने गुरु दे अगे परकरमा करनी इहदा मतलब हुंदा है कि असी अपने आप नूं गुरु तों कुरबान करदे हां कीमती हां असी पर असी कीमती गुरु तो कुरबान करते हैं अपने आप नूं गुरु जिन्हें असी कीमती नहीं हाँ सब तो वध कीमती साडे वास्ते गुरु है इस करके गुरु दे अगे असी अपना तन मन धन सारा कुछ ही निशावर करते हैं तो धन गुरु रामदास महाराज कहिंदे जिन गुर का भाणा मन्निया जिन्हां ने गुरु का भाणा मन्निया वैसे सिख की परिभाषा ही गुरु प्यारी होया है जिहड़ा गुरु के भाणे नूं मन्नदा सो सिख सखा बंधप है भाई जे गुर के भाणे विच आवे अपना भाणा जो चला भाई विछड़ चोटा खावे महाराज कहिंदे जिन्हां ने गुरु का भाणा मन्निया असी भाई उन्हां तों वारे जाने उन्हां तों सदके जाने जिन सतगुर प्यारा देखिया तिन कहो वारी जिन सतगुर प्यारा देखिया जिन्हां ने सतगुरु प्यारे नूं देखिया जिन्हां ने मेरे सतगुरु प्यारे नूं देखिया दर्शन किए हैं जिन्हां ने तिन कहो हों वारी असी उन्हां तों भी कुरबान जाने जिन्हां ने मेरे सतगुरु नूं देखिया मेरे सतगुरु दे दर्शन किए है दर्शन दे दो अर्थ हुंदे आ गुरु प्यारियो एक तां दर्शन का अर्थ हुंदा प्रतख दर्शन दीदार एक दर्शन का अर्थ हुंदा फिलोसफी समझना जिन्हां ने मेरे गुरु दे दीदार कर लए जिन्हां ने मेरे गुरु नूं समझ लिया ते समझण वास्ते गुरु दे प्रतख दर्शन तां करने पैणगे ना गुरु प्यारियो इस करके भी नहीं कहा जा सकता कि प्रतख दर्शन की तो लोड़ ही नहीं है गुरु नूं समझना काफ़ी है नहीं गुरु प्यारियो पहला गुरु के प्रतख दर्शन फिर गुरु नूं समझना जिन्हें गुरु के प्रतख दर्शन कर ले जिन्हें गुरु नूं समझ लिया कहिंदे असी उहदे तों भी कुरबान जाने हैं देख लो धन गुरु रामदास महाराज उहदे तों कुरबान जाते ने जिन गुर की कीती चाकरी तिन साध बलिहारी जिन गुर की कीती चाकरी जिन्हां ने मेरे गुरु की चाकरी की है देखो किड्डी कमाल की गल जिन्हां ने गुरु का भाणा मन्निया जिन्हां ने गुरु नूं समझिया जिन्हां ने गुरु की सेवा की है महाराज कहिंदे जिन गुर की कीती चाकरी तिन सद बलहारी उन्हां तों असीं सदा बलहार जाने हैं किते कहिंदे तिन सद बलहारी किते कहिंदे तिन घुम घुम जाइया किते कहिंदे ने कहिंदे तिन कहो हों वारी मतलब इक्को ही है गुरु प्यारियो तिन घुम घुम जाए तिन कहो हों वारी तिन सद बलहारी असी उन्हां तों बलहार जाने हैं सदके जाने हैं जिन्हां ने गुरु के दर्शन किए हैं जिन्हां ने गुरु के हुक्म नूं मन्निया जिन्हां ने गुरु की सेवा की है हर हर तेरा नाम है दुख मिटन हारा हुण ये पंक्ति अकाल पुरख नूं संबोधन है गुरु प्यारियो महाराज कहिंदे ने कहिंदे हे वाहिगुरु जी जिहड़ा तेरा नाम है ना ये दुखां नूं मेट दिंदा है हर हर तेरा नाम है दुख मेटन हारा तेरा नाम जिहड़ा है दुखां नूं मेट दिंदा है
दुखां नूं मिटण वास्ते गुरु प्यारियो नाम नूं समां नहीं लाउंदा। जिवें 100 साल तों कोई कमरा बंद होवे, कमरे च हनेरा होवे, उहदियां बारियां बंद होण, 100 साल तों बंद पिया होवे, ते जे उहनूं खोल दिए ना गुरु प्यारियो ते वापस रोशनी आउण वास्ते उहनूं 100 साल नहीं लगना, या 50 साल नहीं लगने, या 10 साल नहीं लगने। जदों बूहे खोलते एक क्षण दे विच 100 साल तो हनेरे विच डुब्बे कमरे दे विच चानण हो जाता है। जिवें हजारा मन रूह हुंदी है, अग दा एक चंगियाड़ा हजारा मन रूह नूं नष्ट कर दिंदा है, इवें गुरु प्यारियो नाम दा एक कणका, नाम दा एक कण हजारा दुखां दा, हजारा पापां दा नाश कर दिंदा है। महाराज ने बाणी च कहा, कट्टे पाप असंख नावां इक कणी, नाम दी इक कणी असंखा पापां दा नाश कर दिंदी है। इत्थे धन गुरु रामदास महाराज कहिंदे, वाहिगुरु तेरा जिहड़ा नाम है इह दुखां नूं मिटण वाला है। गुर सेवा ते पाईऐ गुरमुख निस्तारा। महाराज सानूं चाहीदा है इह नाम जिहड़ा दुखां नूं मिटण वाला है। सतगुरु जी कहिंदे, भाई जे तुहानूं चाहीदा ना ते गुरु दी सेवा करिया करो, फिर गुर सेवा ते पाईऐ, ये तो गुरु की सेवा कीतिया मिलता है। कहिंदे गुरु की सेवा करो, गुरु की सेवा। पुराने समय दे विच गुरु प्यारियो जल ढोण की सेवा गुरु की सेवा हुंदी सी, पखा झलण की सेवा गुरु की सेवा हुंदी सी। अजकल जल ढोण की लोड़ नहीं, टूटियां जिहड़ियां ने लंगरां दे विच आ गईयां ने। पखा झलण की सेवा गुरु प्यारियो जिहड़ी है अज बंद हो गई है, क्योंकि बिजली पखे एसी कूलर आ गए ने, पर होर बहुत सारियां सेवावां। गुरु का प्रचार करना, गुरु की किसी नूं गल सुना देनी, किसी के मन दे विच गुरु का प्यार पैदा कर देना, यह भी गुरु की सेवा है। गुरु प्यारियो यह भी गुरु की सेवा है। लंगरां दे विच जिवें जोड़े बर्तन साफ करने, जोड़े घरां दे विच जोड़े झाड़ने सेवा है ना, लंगर दे विच प्रशादा सकाउणा सेवा है। इवें गुरु प्यारियो जे तुसीं किसी के मन दे विच गुरु का सत्कार पैदा कर दिंदे हो ना, एडू वड्डा सेवा कोई है ही नहीं। भाई गुरदास जी कहिंदे, जैसे सत मंदर कंचन के उसार दीने, तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाएगा। कहिंदे एक सिख दे मन दे विच जे कहिंदे तुसी गुरु दा प्यार पैदा करता, एडू वड्डा गुरु प्यारियो किते पुन नहीं। जिवें इस्लाम दे विच है ना, मुसलमानां नूं कहा कि जे तुसी एक बंदा अपनी जिंदगी च एक मुसलमान बना लैंदा ना, गैर मुसलमान नूं एक नूं कहिंदे जे मुसलमान बना लैंदा ते दुनिया दा सब तों वड्डा सवाब है, सब तों वड्डा पुन है। पर असी कहने गुरु प्यारियो कि जे एक सिख दूजे सिख के मन के गैर सिख के मन के गुरु प्यारियो टुटे हुए के मन के गुरु का प्यार पैदा कर देता है, एडू वड्डा पुन कोई नहीं है। पर सतगुरां ने शर्त यह लाई है कि प्यार दे नाल सिख बनाउणा, प्यार दे नाल गुरु प्यारियो सत्कार पैदा करना है। कोई धक्के नाल नहीं करना, तलवार रख के नहीं करना भी बन गुरु का सिख नहीं मैं तेरा गला वढ़ दूंगा, लालच नाल नहीं करना भी मैं तैनू आटा देऊं, दाल देऊं, तैनू फलानी चीज़ देऊं, तू मेरे गुरु का प्यारा बन जा। नहीं गुरु प्यारियो, जिहड़ा लालच दे नाल बनता है, डरावे दे नाल बनता है ना गुरु प्यारियो, वह सच्चा नहीं हुंदा, वह नाम का ही बनता है। असी प्यार पैदा करना है, प्यार दे नाल प्यार पैदा करना है। जिसने अपनी जिंदगी दे विच एक गुरु प्यारियो टुटे हुए दे मन दे विच गुरु का प्यार पैदा करता, समझ लो गुरु की बहुत वड्डी सेवा करती। धन गुरु रामदास महाराज गुरु प्यारियो कहिंदे, ये जिहड़ा नाम है गुरु की सेवा कीतिया मिलदा है, जिहड़े गुरु के सन्मुख हुंदे ने वो पार लंघ जांदे ने। जो हर नाम ध्याएंदे ते जन परवाना। जो हर नाम ध्याएंदे, जिहड़े वाहिगुरु के नाम नूं ध्याउंदे आ ना गुरु प्यारियो, महाराज कहिंदे ते जन परवाना, वो जिहड़े सेवक है वह परवान है, सफल है। जिंदगी च आया उन्हां दा गुरु प्यारियो परवान है, उन्हां दा सफल है जिहड़े वाहिगुरु दा नां लैंदे ने, वाहिगुरु दी कीर्ति करदे ने। तिन विटहु नानक वारिया सदा सदा कुरबाना। तिन विटहु नानक वारिया, उन्हां तों असीं कुरबान जाने हैं, वारे वारे जाने हैं। तिन सतगुर वारिया सदा सदा कुरबाना, सदा सदा कुरबान जाने हैं, सदा सदा बलहार जाने हैं। साहर तेरी उस्तत है जो हर प्रभ पावे। साहर तेरी उस्तत है, हे वाहिगुरु तेरी सिफत केड़ी है, तेरी उस्तत केड़ी है, जो हर प्रभ पावे, जिहड़ी वाहिगुरु नूं चंगी लगे। वाहिगुरु दी उस्तत केड़ी है, जिहड़ी वाहिगुरु नूं चंगी लगे।
वह उस्तत करनी है जिहड़ी वाहिगुरु नूं चंगी लगती है। तो वाहिगुरु नूं कहड़ी उस्तत चंगी लगती है? मानवता की सेवा, कुदरत की सेवा। जे असीं रुख लाउने आ ना, ये भी गुरु प्यारिओ वाहिगुरु की साझी कुदरत की सेवा, वाहिगुरु नूं चंगी लगती है। असीं प्यासियां नूं पानी पिआउने आ, यह भी वाहिगुरु नूं चंगा लगता है। असीं भुखियां नूं भोजन छका दिंदे आ, भी वाहिगुरु नूं चंगा लगता है। असीं गुरु प्यारिओ किसी नूं विद्या दे दिंदे आ, यह भी वाहिगुरु नूं चंगा लगता है। किसी लोड़वंद की फीस भरती, उन्हूं गुरु प्यारिओ पढ़न लिखण दे काबल बनाता, यह भी वाहिगुरु नूं चंगा लगता है। यह सारिया वाहिगुरु दीआं उपमां ने, वाहिगुरु दीआं वड़ियाईआं ने। बह के गुरु प्यारिओ वाहिगुरु 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 करना, यह भी वाहिगुरु नूं चंगा लगता है। महाराज कहिंदे जिहड़ी उस्तत महाराज तैनू चंगी लगती है, वह समझ तेरी है। ये पातशाह जी दसदे ने, जो गुरमुख प्यारा सेव दे तिन हर फल पावे। जो गुरमुख प्यारा सेव दे, जिहड़े गुरु दे लड़ लग के गुरु दे सन्मुख हो के उस परम प्यारे वाहिगुरु नूं सेवदे ने, तिन हर फल पावे। वह वाहिगुरु तो फल की प्राप्ति करते ने, वाहिगुरु तो वह सुख फल लैंदे ने। जिन्ना हर सेती पिरहड़ी तिना जीव प्रभ नाले। जिन्ना हर सेती पिरहड़ी, पिरहड़ी का मतलब हुंदा है गुरु प्यारिओ प्रेम। कहिंदे जिन्हां दा वाहिगुरु नाल प्रेम है, वैसे असीं वाहिगुरु नाल प्रेम घट ही करदे हां गुरु प्यारिओ। असीं पुत्तां नूं, धीआं नूं, माँ बाप नूं, अपने कारोबार नूं, अपने शरीर नूं, अपने रिश्ते नात्यां नूं प्रेम करदे हां, पर इवें असीं वाहिगुरु नूं प्रेम नहीं करदे। महाराज कहिंदे जिहड़े वाहिगुरु नूं प्यार करदे आ ना, जिन्हां दा वाहिगुरु नाल प्यार है, वाहिगुरु नाल प्रेम है, कहिंदे तिन्ना जी प्रभ नाले, वाहिगुरु उन्हां दे नाल है, अंग संग है। जिवें दसवें पातशाह कहिंदे आ ना, सदा अंग संगे अभंग बभूते। वाहिगुरु कहिंदे उन्हां दे अंग संग हुंदा जिहड़े वाहिगुरु नाल प्यार करदे है। ओए जप जप प्यारा जीव दे हर नाम संभाले। ओए जप जप प्यारा जीव दे, वह कहिंदे जप जप के प्यारे वाहिगुरु नूं जिंदगी जिउंदे है। ओह कौन? गुरमुख प्यारे जिहड़े गुरु नाल जुड़े है, वह वाहिगुरु नूं जप जप के जिंदगी जिउंदे है। हर नाम संभाले ते वाहिगुरु नूं आपदे नाम नाल संभालदे है, वाहिगुरु दे नाम नूं आपदे नाल संभालदे है। जिन गुरमुख प्यारा सेविया तिन को कुम जाया। जिन गुरमुख प्यारा सेविया, जिन्हां ने गुरु दे सन्मुख हो के प्यारे वाहिगुरु नूं सेविया, कहिंदे तिन को कुम जाया, असीं उन्हां तों भी घुमदे हां, भाव उन्हां तों भी कुरबान जाने हां, उन्हां तों भी वारे जाने हां। ओए आप छुट्टे परवार सिओ सब जगत छडाया। जिहड़े गुरु प्यारिओ गुरु नाल जुड़ के करतार की बंदगी करते हैं ना, धन गुरु रामदास महाराज कहिंदे ओए आप छुट्टे परिवार सिओ, वो आप भी बच जाते हैं समेत परिवार, तो उन्हां दीआं गल्लां सब जगत छुड़ाया, सारे जगत नूं भी छड़ा दिंदियां ने गुरु प्यारिओ ऐबां तों, विकारां तों, विकारां तों, ऐबां तों सारे जगत नूं छड़ा दिंदियां ने उन्हां दीआं गल्लां गुरु प्यारिओ। इस करके महाराज कहिंदे भाई गुरु समर्थ मित्र, गुरु दीआं गल्लां सुनिया करो, गुरु दीआं बातां सुनिया करो। गुर प्यारा हर सेविया गुर धन गुर धनो। गुर धन गुर धनो, गुरु धनता दे जोग है, गुरु धनता दे जोग है, गुरु वड्याई दा पात्र है। गुर प्यारा हर सेविया, पर कहिंदे गुरु ने क्यों धनता दे जोग है गुरु, क्यों वड्याई दा पात्र है गुरु? क्योंकि गुरु ने प्यारे अकाल पुरख नूं सेविया, ते प्यारे अकाल पुरख दा नाम जपण दा उपदेश दिंदा है। इस करके कहिंदे गुर धन गुर धनो, गुरु धन है, गुरु धन है, क्योंकि गुरु ने प्यारे अकाल पुरख नूं सिमरिया है। गुरु प्यारा अकाल पुरख जिहड़ा है उह सिमरन करवाउंदा है। गुर हर मार्ग दस्या गुर पुन वड पुन्नो। गुर हर मार्ग दस्या, गुरु ने वाहिगुरु दा मार्ग दस्या है। इस करके गुरु प्यारिओ जिहड़ा गुरु दा दस्या मार्ग है ना, उस तो वड्डा कहिंदे पुन कोई नहीं है, उस तो वड्डा धर्म कोई नहीं है जिहड़ा गुरु ने मार्ग दस्या है, गुरु ने राह दस्या है। जो गुर सिख गुर सेव दे से पुन पराणी। जो गुरसिख गुर सेव दे, जिहड़े गुरसिख गुरु नूं सेवदे ने, से पुन प्राणी, वह प्राणी जिहड़े ने सब तो वड्डा पुन खटदे ने, धर्म खटदे ने। जन नानक तिन को वारिया सदा सदा कुरबाणी। जन नानक तिन को वारिया, कहिंदे भाई ये सेवक
वार वार बलहार जांदा है, सदा सदा कुर्बानी सदा सदा कुर्बान जांदा है। गुरमुख सखी सहेलिया से आप हर पाइया, गुरमुख सखी सहेलिया गुरमुख गुरु दे सनमुख बैठिया सखियां सहेलियां सतसंगी जीव कौन है से आप हर पाइया जिहड़ियां वाहिगुरु नूं आप चंगियां लगियां ने। हर दरगह पहनाइया हर आप गल लाइया, जिहड़ियां सखियां सहेलियां भाव सतसंगी जीव गुरु की हजूरी च बह जांदे आ ना गुर प्यारियो, महाराज कहिंदे हर दरगह पहनाइया गुरु उहनां नूं परमेश्वर की दरगाह दे विच भेजदा है, वाहिगुरु के दर ते भेजदा है, वाहिगुरु के घर च भेजदा है, ते वाहिगुरु दे घर दे विच कहिंदे उहनां दा फिर सत्कार हुंदा है, उहनां दा सत्कार हुंदा है। पैनाइयां पैनाइयां दा मतलब है सत्कार हुंदा है, सरोपे पैंदे है। हर आप गल लाइया कहिंदे वाहिगुरु उहनां सतसंगियां नूं आप आपदे गल दे नाल ला लैंदा है। जो गुरमुख नाम ध्याएंदे तिन दर्शन दीजै, हे वाहिगुरु एक अरदास है, की अरदास है कहिंदे जो गुरमुख नाम ध्याएंदे जिहड़े गुरु दे सनमुख बैठ के नाम जपदे आ ना तिन दर्शन दीजै, सानूं उहनां दा दर्शन दिया कर, उहनां दा दर्शन करन नूं मिले जिहड़े नाम जपदे आ, भाव ओ गुरसिख मिलन सानूं जिहड़े वाहिगुरु दा नाम लैंदे आ। हम तिन के चरण पखाल दे धूड़ घोल घोल पीजै, फिर की करांगे जे ओह गुरसिख मिल जाण जिहड़े वाहिगुरु दा नाम लैंदे आ, कहिंदे हम तिन के चरण पखाल दे असी उहनां दे चरण धोईए सत्कार करिए, धूड़ घोल घोल पीजै उहनां दे चरणां दी धूड़ घोल घोल के पीए जिहड़े नाम लैंदे, जिहड़े नाम लैंदे आ मतलब जिहड़े नाम लैंदे आ ना गुर प्यारिओ उहनां दा सत्कार करना बणदा, इज्जत करनी बणदी। अज कल असीं देखदे हां गुर प्यारिओ जिहड़े गुरु दे प्यारे आ ना, कोई नितनेमी नाम लैण वाले भजनीक बंदगी वाले पुरख उन्हां दे भी गुरु प्यारियों जगत निंदिया करदा तुरिया फिरदा है, वह भी गुरु प्यारियों बिना जाणिया बिना मिलिया बिना समझिया। धन गुरु रामदास महाराज कहिंदे पाप ना खट्टिया कुर पुरखो, जिन्हों तुसी जानदे नहीं समझदे नहीं मिले नहीं उन्हां बारे गुरु प्यारियों सुन सुना के बोलना गुरमुख प्यारियां बारे ये भी शोभनीक नहीं है। सानू तां कहिंदे जे किते कोई नाम जपण वाला मिल जाए ना हम तिन के चरण पखाल दे असी उन्हां दे चरण धोईए, धूड़ घोल घोल पीजै उन्हां दे चरणां दी धूड़ घोल घोल के पीए, भाव उन्हां दा अदब करिए सत्कार करिए। पान सुपारी खातिया मुख बीड़िया लाइया, तुरे फिरदे आ बथेरे गुरु प्यारियो, महाराज कहिंदे पान सुपारी खातिया, कहिंदे पान सुपारियां खांदे मूंह दे विच बीड़ियां लाइया, पान दे बीड़े तुन्ने आ मूंह दे विच तुरे फिरदे आ, ऐसे लोग है ना गुरु प्यारियो तुरे फिरदे आ, पान सुपारी खाती आ पान सुपारियां खादियां मूँह च बीड़िया पाना दे बीड़े लाए बीड़े तुन्ने हुए आ पाना दे विच, ते जे होर गुरु प्यारियो अगां गुरु प्यारियो इस नूं समझना होवे, अज असीं देखदे हैं कोई सिगटां पी जांदा है कोई बीड़िया पी जा, इत्थे वैसे पाना दे बीड़िया तो भाव है, पाना दीआं जिहड़ीआं बीड़ियां हुंदीआं बीड़े हुंदे उहनां तो भाव है, पर कोई तंबाकू खाई जांदा है कोई शराबां पी जांदा है कोई कोई नशा करी जांदा है कोई धूतिआं वांगू तुरिआ फिरदा है, तो महाराज कहिंदे इहो जे जिहड़े लोक ने हर हर कदे ना चेतियो जम पकड़ चलाइया, हर हर कदे ना चेतियो कदे वाहिगुरु का नाँ नहीं लिया तुरे फिरदे आ नशे पत्ते करदे पान चबाउंदे पाना दे बीड़े मूँह च पाए तंबाकू खांदे, सतगुरु जी कहिंदे कदे रब का नाँ नहीं लैंदे कदे गुरद्वारे नहीं आउंदे कदे मंदिर नहीं जाते कदे मस्जिद नहीं जाते कदे धर्म वाले पासे ते तुरदे ही नहीं है, कहिंदे चेते जम पकड़ चलाइया, कहिंदे इहोजिआं नूं फिर आत्मक जम जिहड़े आ ना जम उह पकड़ के लै जांदे आ जम ग्रिप्त विच लै लैंदे आ, इह पातशाह जी दसदे ने जिन हर नामा हर चेतिआ हिरदै उर धारे, जिन हर नामा हर चेतिआ हिरदै उर धारे जिन्हां ने वाहिगुरु दे नाम नूं चेतिआ हिरदे च धारिआ, तिन जम नेड़ ना आवई गुरसिख गुर प्यारे, उन्हां दे जम नेड़ नहीं आउंदे ओह गुरु दे सिख हुंदे ऐ गुरु दे प्यारे हुंदे ऐ, हर का नाम निदान है कोई गुरमुख जाने, ओ भाई पुरखो वाहिगुरु दा नाम खजाना है पर कहिंदे वाहिगुरु दे नाम खजाने नूं कोई गुरमुख जाने कोई गुरु दे लड़ लगियां जानदा है, नानक जिन सतगुर भेटिया रंग रलिया माणे, हे श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिन्हां ने सतगुरु नूं भेटिया सतगुरु नूं जिहड़े मिले ने
वह गुरु नाल मिल के वाहिगुरु के नाल रलियां माणदे आ, वाहिगुरु के नाल मिल के खुशियां माणदे आ। सतगुर दाता आखी है तुस करे पसाओ, सतगुर दाता आखी है, सतगुरु नूं दाता कहना चाहिए भाई, तुस करे पसाओ, जिदे ते मेहरबान हो जांदा है ना उन्हूं निहालो निहाल कर दिंदा है, कृपा नाल नवाज दिंदा है, सतगुरु दाता है। ओ गुर विटो सदवारिया जिन दितड़ा नाओ, असी बलहार जाने हैं सतगुरु तो, बारे बारे जाने हैं सतगुरु तो, जिन दितड़ा नाओ, जिन्हें सानू नाम दी बख्शिश दिती है, नाम जपन दा बल बख्शे है, जिन्हें वाहिगुरु दा नाम लैण दी हिम्मत बख्शी है। सो धन गुरु साबास है हर दे सनेहा, ओ गुरु धनता दे जोग है, धनता दे जोग है गुरु भाई, जिहड़ा परमात्मा दा सनेहा दिंदा है, सनेहा वाहिगुरु दीयां जिहड़ियां गल्लां सुणाउंदा है, वाहिगुरु दा जिहड़ा सुनेहा दिंदा है, ओह गुरु धनता दे जोग है। ओ वेख वेख गुरु विकसिया गुर सतगुर देहा, हौ वेख वेख गुरु विकसिया, असीं तां गुरु नूं वेख वेख के प्रसन्न हुंदे आ, गुर सतगुर देहा, गुरु दे सतगुरु दी देह नूं देख देख प्रसन्न हुंदे आ। गुरु सतगुरु दी देह कहड़ी है गुरु प्यारिओ? साडा तां गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज है, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ, ਗੁਰ ਰਸਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਦੀ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਸੁਣ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰ ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖ ਸਭ ਜਾਵੀ, ਜਿਨ ਸੁਣ ਸਿੱਖਾ ਗੁਰ ਮੰਨਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਲਿਆਂਦਾ, ਤਿੰਨ ਭੁੱਖ ਸਭ ਜਾਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਆਖੀਐ ਕਹੁ ਕਿਤ ਬਿਧ ਜਾਈਐ, ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਹਰ ਕਾ ਮਾਰਗ ਆਖੀਐ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤ ਬਿਧ ਜਾਈਐ, ਕਹੋ ਕਿਤ ਬਿਧ ਜਾਈਐ, ਦੱਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਤੁਰੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਣਾ ਇਹ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਰ ਖਰਚ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਹਰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਖਰਚ ਹੈ, ਹਰ ਖਰਚ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, 5 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਜੇਬ ਖਰਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ, ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਹੈ, ਤੇਲ ਪਵਾਉਣਾ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਜਾਂ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਖਰਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਆ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਸਫ਼ਰ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਖਰਚ ਚੱਲਣਾ, ਭਜਨ ਚੱਲਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ। ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰਿਆ ਰਾਧਿਆ ਸੇ ਸਾਹ ਵੱਢ ਦਾਣੇ, ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਆਰਾਧਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੇ ਸਾਹ ਵੱਢ ਦਾਣੇ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ? ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਸਦਵਾਰਿਆ ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਣੇ, ਗੁਰ ਬਚਨ ਸਮਾਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਸਮਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੋ ਸਦਵਾਰਿਆ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਸਮਾ ਜਾਈਦਾ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੋ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਰਾ, ਆਖਰੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੋ, ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬੋ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੀਰਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਹਿਰਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਭਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ,
धन गुरु रामदास महाराज आखिरी पंक्ति च गुरु प्यारियो बहुत कमाल दा बचन कहंदे ने, कहंदे आपे हर एक रंग है, वाहिगुरु आप ही एक रंग है निर्गुण स्वरूप दे विच, आपे बहु रंगी ते सरगुण स्वरूप दे विच आपे ही बहु रंगां दा है। जिवें 16 साहब दे विच पढ़दे आ, वाहिगुरु तेरियां हजारां मूर्तां पर तेरी एक मूर्त नहीं, तेरियां हजारां सुगंधियां पर तेरी एक भी गंध नहीं है। या जाप साहब दे विच एक है अनेक है, असीं पढ़दे आ ना एक भी है अनेक भी है। इत्थे गुरु प्यारियो धन गुरु रामदास महाराज कहंदे ने आपे हर एक रंग है, आपे बहु रंगी निर्गुण स्वरूप दे विच ओह एक रंग है, सरगुण स्वरूप दे विच सारी रंग उहदे ने, बहु रंगां दा है ओह। जो तिस भावे नानका साई गल चंगी, जो तिस भावे नानका साई गल चंगी। हे धन गुरु नानक साहब जी, जो तिस मालक नूं पाउंदा है, जो उस अकाल पुरख नूं पाउंदा है, उही गल चंगी है, उही गल सही है, बाकी सब कुछ कूड़ है। ये धन गुरु रामदास महाराज ने सिक्ख्या दित्ती है। गुरु प्यारियो आपां संखेप विचार कीती है, लम्मा शब्द सी धन गुरु रामदास महाराज पातशाह दा उचारण, इत्थे गुरु प्यारियो आपां समाप्ति करदे हां। निश्चित कीता समा हो चुके है, बाणी बहुत अगम अगाध बोध है, विचारदियां भुल्लां हो जांदियां ने, संगत सतगुरु जी बख्शन जोग है, खिमां दे जाचक हां। आओ आखरियां पंगतियां पढ़ के समाप्ति करिए। खालसा जी, चैनल नू सबसक्राइब करन तो बाद ऑल नोटिफिकेशन नू जरूर ऑन करो, ताकि साड़ी कथा कीर्तन दी हर वीडियो तुहाडे तक पहुँचती रहे। वीडियो नू लाइक करना ना भूलना जी।